नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। इलेक्ट्रिक टू व्हीकल सेक्टर में उतरकर बड़ी सफलता हासिल करने के बाद अब ओला इलेक्ट्रिक ने ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट के भी लिए ताल ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार है। कंपनी ने ओला कस्टमर डे यानी 19 जून के दिन कुछ ग्राहकों को अपनी तमिलनाडु स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की विजिट के लिए आमंत्रित किया था। उस विजिट के दौरान ही कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने अपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली ओला इलेक्ट्रिक कार का एक टीजर जारी किया था। ओला इलेक्ट्रिक कार का जारी किया गया टीजर 30 सेकेंड का है और इसे इलेक्ट्रिक कार के लिए डिजाइन किया गया है और दूसरी जानकारी मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने इसे इस इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस कार को दिवाली के फेस्टिव सीजन में पेश कर सकती है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, कीमत और ड्राइविंग रेंज को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल ने 15 अगस्त को इस इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में जानकारी देने की घोषणा करी है। सरकार ने सोमवार को कहा कि उसे फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को खरीदने के लिए कई सारे प्रारंभिक बोलियां मिली हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने मार्च एफएसएनएल की रणनीतिक बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। बोली जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई थी, जिसे बढ़ाकर 17 जून कर दिया गया था। दीपम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने ट्वीट किया कि एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एफएसएनएल की रणनीतिक विशेष के लिए कई ईओआई मिले हैं। जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दीपम एफएसएनएल के संभावित खरीदारों से वित्तीयां बोलियां आमंत्रित करेगा। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सोमवार को केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि महिंद्रा समूह इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित, सक्षम और युवा अग्निवीरों को अपने यहां भर्ती के लिए स्वागत करेगा। उन्होंने रक्षा सेवाओं में 4 साल के कार्यकाल के लिए 17.5 साल से 23 साल के युवाओं की भर्ती योजना पर कहा कि इन अग्निवीरों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। महिंद्रा ने ट्वीट किया कि अग्निपथ कार्यक्रम के विरोध में हुई हिंसा से दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था तो मैंने कहा था और उस वक्त को मैं दोहराता हूं, अग्निवीरों का अनुशासन और कौशल उन्हें रोजगार के लिए योग्य बना देगा। उन्होंने आगे कहा कि महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती के लिए अवसर का स्वागत करता है। एक ट्विटर उपभोक्ता ने उनसे पूछा कि महिंद्रा समूह इन अग्निवीरों को कौन सा पद देगा, तो उन्होंने जवाब दिया, कॉरपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं। नेतृत्व, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ये अग्निवीर उद्योग को बाजार में तैयार पेशेवर समाधान देते हैं। ये समाधान परिचालन से लेकर प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक तक विस्तृत है। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के आगामी नए संस्करण के लिए बुकिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि महीने के अंत में पेश होने वाली नई ब्रेजा इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर के साथ नए जमाने की तकनीक और कनेक्टेड सुविधाओं के साथ आएगी। इसमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ अगली पीढ़ी का पावर ट्रैक भी होगा। ग्राहक नई ब्रेजा कंपनी के किसी भी एरेना शोरूम या किसी वेबसाइट पर ₹11,000 के साथ शुरुआती भुगतान के साथ बुक कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।